प्यार मांगे मोर में आज प्रतीक त्रिवेदी के साथ आरा का हाल दिखाएंगे। कहानी बहुत खास है, आज आपको मिलवाएंगे कहानी। विधायक का गीता पांडे जी के लिए और गीता पांडे जी जिंदाबाद, सुनील पांडे जिंदाबाद। कहानी बहुत खास है तो बजाओ। गीता पांडे से मिलवाऊंगा, लेकिन अभी तो जो बगल में निकल के गए वो बल्लू भैया। अरे धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओंगारा हे ओंगारा जी। तो मैंने कहा था कुछ खास होगा जरूर, और खास लेके आएंगे, खास तस्वीर आपके साथ है। जी हाँ, और ये हैं सुनील पांडे और बगल में गीता पांडे। गीता जी चुनाव लड़ रही है यार, पूरी बिहार आपको जानता है, पूरे बिहार में परिचित हैं। आपकी अपनी ताकत है या आपके पति की ताकत आपके साथ मिली हुई है? मेरे पति की ताकत है। दोनों हाँ जी, दोनों की ताकत है, पार्टी की ताकत है, एनडीए की ताकत है, तड़ारी क्षेत्र की जनता की ताकत जी। आप सुनील पांडे हैं और तारुफ कराने की जरूरत नहीं, सारे लोग बखूबी जानते हैं, परिचित हैं। और अभी कुछ देर बाद जब वो भीड़ के पास होंगे तो भीड़ इनके पास एकदम जैसे चिपकती है वैसे ही ये पहुंच जाएंगे, खो जाएंगे। यानी मेरे पास कुछ सेकंड्स बचे हैं जब मैं इनसे बात कर सकता हूं। आपका नाम और शोहरत बहुत ज्यादा है, तमाम केस भी हैं आपके ऊपर। शुक्रिया। जो हैं विपक्षियों के द्वारा लगाए गए मुकदमे थे, अब मैक्सिमम समाप्त हो चुके हैं। ये सच है कि लोग आपसे डरते? आपको अगर ऐसा महसूस होता, आपको ऐसा महसूस होता है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं महसूस होता है। बस समझ लीजिए कि जब आप मीडिया के लोग हैं, जब आपको महसूस नहीं होता है। असल में ये भीड़ जो है प्यार से आई, ये भीड़ देखने से आपको क्या लगता है? अब इसमें ये हो सकता है कि वो प्रेम से भी। चार बार जनता ने जी मुझे जिताने का काम किया जी, तो प्रेम से जीता जा सकता है या प्रेम से ही जीता जा सकता है? दर्जनों भर के केस है, वो कहते हैं कहानी कुछ और कहते हैं, लेकिन ये क्या वो जो है विरोधियों ने आपको साजिशन? जी हाँ, चूँकि राजनीति में आने से पहले के हम पर सारे मुकदमे, इस बार भी एक जो मुकदमा किया गया सरकार के इशारे पर मुकदमा किया गया। आप जेडीयू में थे, जेडीयू से इधर कैसे आ गए? जेडीयू को हमने तिलांजलि दे दिया, हमने उसी वक्त बोल दिया था। और पहले चूँकि एनडीए में थे जी, और आज भी एनडीए में है। नीतीश जी ने एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया, एनडीए आज भी मजबूत है और रहेगा। लोग आपको कहते हैं आप बाहुबली हैं, बिहार की बहुत बड़ी ताकत है, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा, इस बारे में कोई कमेंट। और इधर पीछे वो समूह देखिए लोगों का जो इंतजार कर रहा है अब से कुछ देर बाद, और जैसे ही ये वहां जाएंगे बस वो पीछे का हिस्सा देखिए, तमाम जनता मौजूद है और जिंदाबाद के नारे के साथ नेताजी भीड़ में समा गए। और यही वो दृश्य था जो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ देर तक बस आपको मिलेगा, उसके बाद बात करना बेहद मुश्किल होगा। और यही वो तस्वीर थी जिसके लिए मैं चल के यहाँ तक आया था। अरे धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओंगारा। अगर भीड़ ताकत है तो फिर ये ताकत है, और अगर भीड़ बाहु में ताकत है तो ये भी वो ताकत है। और ये तमाम ताकत आज यहाँ पर तरारी विधानसभा क्षेत्र, बहुत पिछड़ा इलाका है, मौजूद है नेता से मिलने के लिए। आप देखना, मैंने सवाल पूछे, दहशत के सवाल पूछे, लेकिन वे सवाल कुछ देर ही तक रहते हैं, उसके बाद नगाड़ों में खो जाते हैं। कैमरामैन उधर ही घुमाएंगे जिधर दृश्य मौजूद है, जिधर नगाड़े मौजूद हैं। सुनील पांडे जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, पत्नी चुनाव लड़ेंगे। ताकत कहाँ कैसे ट्रांसफर होती है, ये भी एक राजनीति का रंग है, इसको भी आप देख लीजिए। सर नामांकन भरे जा रहे हैं, नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, नामांकन की डेट नजदीक से जो
और इधर समोसा खा रहा है। समोसा खा रही है। समोसा भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये आयुर्वेदिक विधि से बना सुपाच चटपटा सिंघाड़ा। सिंघाड़ा माने समोसा, सिंघाड़ा माने समोसा। खा लीजिए और हजम खाइए। हम खा लूंगा, पता कीजिए कैसा है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल नेताओं की तरह है। इलाके की तस्वीर तो बहुत अच्छी नहीं है फिलहाल। कैसी बात करते हैं, सभी लोग कह रहे हैं अच्छी 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 अच्छी। अच्छी तो है, लेकिन एक अच्छे लोग भी आ गए हैं इसमें चुनावी मैदान में, काफी ख्याति प्राप्त है उनको विकास के मामले में। आपने आपको मौका दिया था, बताइए तस्वीर। वो देखिए तस्वीर, वो गया तस्वीर, वो गई तस्वीर, वो गई तस्वीर, देखा आपने तस्वीर क्या, वो गई, अरे गई तस्वीर, क्या बोलेंगे आप। अरे धम धम धड़म धड़ई यार, सबसे बड़े लड़ई यार। आज जो शुरुआत करते हैं, जी हाँ, टेंट तना तंबू सब कुछ तैयार है, और पीछे जो आप बैठक देख रहे हैं वो विश्वेश्वर ओझा जी की बैठक है। स्ट्रेटजी बन रही है, चुनाव में लड़ना है, जीतना है, और इसके लिए तमाम सारे लोग आज इकट्ठा हैं। हम उस बैठक में भी जाएंगे, बातचीत भी करेंगे, क्योंकि जो जनरेटर चल रहा था वो बंद कर दिया गया है, इसीलिए आइए चलते हैं। फोन पे फोन घनघना रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं नेताजी आप मेरे यहाँ कब आएंगे, आप मेरे यहाँ कब आएंगे, आ जाइए दर्शन दे जाइए। चुनाव का ये वक्त है, लिहाजा बेहद कीमती है, और कीमती वक्त में ज्यादा बात नहीं की जाती है। जी बहुत कीमती समय है इस समय आपका ना, एकदम इसमें कहने की बात है बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग यहाँ कोई उस तरह की बात नहीं है, एकदम आराम से हम लोग जिंदगी यूं ही आराम से चल, एकदम आराम से चलती है। सुबह कै बजे उठते हैं? 4 बजे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नेताजी का फोन नहीं बजेगा तो उधर वो फोन बजेगा, फोन तो बजेगा ही बजेगा, और बहुत अच्छी बात है, फोन बजना चाहिए। आप मुस्कुराते बहुत अच्छे हैं, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। कुछ कहना चाहते हैं क्या, मैं पहले बात करूं? प्रोग्राम ही इतनी अच्छी लगती है कि मुस्कुराना पड़ जाता है। आपको मेरी बातचीत अच्छी लगती है, प्रोग्राम अच्छा लगता है, लिहाजा मुस्कुराना पड़ ही जाता, लेकिन हर समय मैं नहीं मुस्कुराता हूँ, कभी कभी मैं मुस्कुराते मुस्कुराते सवाल भी अच्छे पूछता हूँ। आपसे लोग बहुत डरते हैं, मुझे किसी ने बताया, सवाल मैंने इधर पूछा, खोपड़ी आपने हिला दी इधर। आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि खोपड़ी हमको हिलानी पड़ी है, सच में? हाँ, ये गलत है, झूठ है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये युवा सम्राट हैं इस क्षेत्र के, कोई बच्चा बच्चा भी इनसे मिल जाता है और आराम से आकर अपना जो है जो कष्ट है वो अपना कहता है। क्या बात है, युवा सम्राट है। हाँ, अब तो आपको कह ही दिया सम्राट, तो आप मान ही लीजिए सम्राट। नहीं, ऐसा नहीं, हम एक सेवक हैं, हम एक साधारण आदमी हैं, एक साधारण कार्यकर्ता हैं, हमको लोग प्यार करता है, डरता नहीं है कोई हमसे। लोग कहते हैं कि एक आपके नाम से एक दहशत भी है लोगों के अंदर, भाई विश्वेश्वर ओझा, ओहो हो हो, जो लोग कहते हैं कि आरा जिले में, भोजपुर जिले में विश्वेश्वर ओझा, ओह इतने इतने मुकदमे आपके, वो सब गवाह दे देते हैं। देखिए मुकदमा 15 साल लालू जी का कुशासन का है, वो प्रतिफल है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या चुनाव में क्रिमिनल लड़ते हैं, चुनाव आते हैं, क्या लग रहा है इस मौजूदा समय में, आपको लगता है कि इस इलाके में लोग हैं जो क्रिमिनल चुनाव लड़ रहे हैं? ना, भारत एनडीए में कोई क्रिमिनल चुनाव नहीं लड़ रहा है, दूसरे दल की बात नहीं करूंगा। आपकी छवि साफ है, दूसरे वाले दल में आपको दिखाई देता है? तो दिखाई देता है कि प्रमाण है, यही चीज पकड़ेंगे दोपहर में, ओझा जी को कहीं किसी गांव में लिखेंगे क्या कर रहे हैं, कैसे वोट मांग रहे हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए। ओझा जी तमाम लोगों के साथ मिलते हैं, गांव के लोगों से पूछते हैं हालचाल, नौजवान के कंधे पर हाथ भी रखते हैं, तो ये तरीका है आपका मिलने का, गांव में आते हैं तो जब आप घूमते हैं लोगों से हाथ जा पूछते हैं। आपने कहा वोट नहीं, बस हमसे प्रणाम कर रहे हैं, इससे खास वजह जो प्रणाम कर रहे हैं सरकार, तो मिलता है आदमी तो प्रणाम है, रिस्पेक्ट नहीं देगा किसी को, वोट मांगने की जरूरत नहीं है, तो वोट मांगने से मिलता है अगर मांग। सही बात है, और ऐसे समय में, चुनाव के समय में कतई नहीं मिलता, कतई नहीं मिलता, मांगने से वोट मिलता है, आशीर्वाद हम लोग लेते हैं, वोट नहीं लेते। ये तरीका है, कैसे बोला जाएगा और कैसे लिया जाएगा, ये गुरु का मंत्र है, सीख लीजिए जी। और इस तरह से वो घर के अंदर पहुंच जाते हैं।
लेकिन मैंने देखा गांव में ये आपकी रास्ता बहुत खराब है, बरसात में तो बड़ा दिक्कत होती होगी। क्यों जी? हाँ बहुत दिक्कत है। देखिए अब आ गया आदमी, सही सीधा आदमी आ गया बोलने के लिए। ठीक, गोली मारता है कि तू लख दो पाँच लख दो देते, गोली मारते हमारे भाई गोली मर रखिया है, मार दिया गोली नहीं दिया गरीब आदमी कहीं तो मला जात के जात का मला है, इसलिए गोली मार के हत्या कर दिया। क्या हो रहा, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, दो लाख मांगे नहीं दिया, गोली मार दी। ये है इस इलाके में ये बात, ये यही इसी का तो हम विरोध किए तो हमको लोग अपराधी कहे। अभी तो आई जगह तो मारने गोली हमारा प्रदर्शन नहीं होगा। कहते कहते आंखों में आंसू आ जाते हैं, छलकने लगते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, ये इलाका है। जी ये हकीकत है इस इलाके की, ये हकीकत है इस भोजपुर इलाके की। चले आइए गलियों से होते हुए मेरे घर तक चले आइए, ये मेरा घर है। क्या सुंदर घर है, देख लीजिए आप, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आइए, तमाम वादे आपके सामने आ जाएंगे, आपने जो जो कहा वो सब पूरा हो गया है, लिहाजा मेरा घर देख लीजिए। दो खाट है, कुछ कुछ कपड़े हैं, कुछ कुछ बाजरे का, कुछ मक्के के कुछ वो पड़े हैं, बस यही मेरा कुल मिला के घर है, यही है घर मेरा, देख लीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। गांव की गली जहां एक खत्म होती है वहीं पर एक मकान है, मकान के सामने गल्लू बैठा है। नाम तुम्हारा गल्लू है ना, क्या बात है। गल्लू के घर में दरवाजा नहीं है, कुंडी नहीं है, रखने के लिए बहुत सारा सामान है, इसलिए घर में कोई कुंडी नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। जनाब पर्दा उठाने के लिए मत कहिएगा, आपको हमें शर्म आ जाएगी, आपको मुझे मालूम है। दम दम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओंकारा हे ओंकारा। दम दम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओंकारा हे ओंकारा। और इस वक्त हम आरा के संदेश विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, अभी अभी नेताजी इधर से गए हैं और उनके जो ये पोस्टर हैं, कैलेंडर हैं, दिए गए हैं। नेताजी को पकड़ना है तो जल्दी चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, जी हाँ दौड़ना ही पड़ेगा। दम दम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओंकारा। सबके हाथों में एक एक कैलेंडर है, उधर दीवार पे भी छप गया है कैलेंडर, सब तरफ कैलेंडर ही कैलेंडर है। नेताजी चले गए क्या, किधर गए हैं नेताजी? उधर चले गए नेताजी, तो सबको कैलेंडर मिल गया है एक जी। और भी कुछ मिलना है या चाहिए, या कैलेंडर ही से काम हो जाएगा तारीख देख कर? ठीक है जी, बहरहाल चीजें तो बहुत कुछ कहने को है लेकिन तारीख से देख के क्या काम चलता है। बहरहाल तारीख यहाँ देने के देखने के लिए कैलेंडर जरूर मिल गया है। खेल कैसे वोट के लिए नेताजी आ चुके हैं इस गांव के एकदम ठीक बीचों बीच में। अब तमाम लोग अपनी समस्याएं लेकर भी आए हैं, लेकिन समस्या से पहले कोई एक गाना भी सुनाना चाहता है। अरे सोनम मुख रही हो मोरे अरुण जादू भाई, अधेना मा लगइयो भैया लालू ओ जियो में, ए भैया जे देसरा के कोइले कोले आन और अक्षर लागू कोइले भैया देसवा में। क्या बात है, सबके हाथ में कैलेंडर है और अब नेताजी की बारी है। आपने बहुत बहुत बातें कही हैं, मुझे बताइए कि कौन कौन सी बातें आप करने वाले हैं? हम जीते तो जीतला के बाद सब बिजली पानी गरीब के सेवा दुख सुख में हम रहिला। तो रहुआ, अरे मैं तो बोलने लगा भाई, भोजपुरी बोलने लगा, मुझे आ गई, इतने दिनों में सीख लिया मैंने। रहुआ माने आप, मैं इनकी पजारों पे चलता हूँ और इनसे बात पूछता हूँ। ये तो साफ चुनाव का रंग है, आप भी देखते चलो, हम भी देखते चले, जनता भी देखते चले। हो क्या बात, खेल कैसे और गांव पीछे धीरे धीरे छूटता जा रहा है। और अब हम मैं अरुण जी की पजारों के साथ। अरुण जी ने आपने कहा कि आपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया, बहुत संघर्ष कर लिया जी, जी, जी।
जीवन में बहुत संघर्ष रहा, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे। जी तमाम लोग आपसे के विरोधी आप पे तमाम आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि आपने जो अकस्मात जो आप यहाँ तक पहुँच गए उसके पीछे भी तमाम कारण, वो कहते हैं कि आपके ऊपर तमाम सैकड़ों मुकदमे हैं आपके ऊपर। हमारा विरोधी कोई हल ही नहीं थे सब लोग खत्म हो गया है। अब मुकदमा है तो मुकदमा तो झूठा मुकदमा में तो कोई किसी को फंसा सकता है। तो ये बताइए ये चमत्कार कैसे है कि फिर आप कुदारी भी चला लेते हैं, आप पजेरो पे भी बैठ लेते हैं, ये कौन सा चमत्कार? अरे पजेरो तो गाड़ी है, तो आखिर पजेरो गाड़ी से तो जाना पड़ेगा ना भाई प्रचार में, पजेरो को ज्यादा प्रभाव नहीं जाएंगे भाई, नहीं जा सकते, कतई नहीं जा सकते, क्योंकि इतना एक गाँव से दूसरी गाँव जाना है तो पजेरो या स्कॉर्पियो चाहे कोई गाड़ी से तो जाएंगे। पजेरो ज्यादा मजबूत रहती है गाँव में, पजेरो गाड़ी है जो पाकी में भी इसका फोर व्हील है, से पाकी में भी चलेगा तो फंसेगा कहीं नहीं, ये इसकी खासियत है। ये तो कहीं जो कच्चा पक्का कहीं है उसमें से निकल सकता है, वो अगर ये सड़क ना बनी था अगले चुनाव में तो आई भी नहीं, मैं तो आ ही नहीं पा, तो भोजपुरी बोल भी नहीं पा रहा हूँ। रुआ बताओ कैसे हुई? रुआ एक बात बताओ, ये कुदाल चलाने वाला राडो भी पहनता है और डायमंड भी पहनता है, ऐसा बहुत कम देखा। अच्छा ऐसा ही तो शौक है ना, यही तो शौक है, यही तो रुआ पूछित रहा, ये तो शौक है। गरीब आदमी घड़ी नहीं पहनेगा का? बिल्कुल पहनेगा, जब खेती हम खेती करते हैं, हमारा खेती में भर दिन मछली पालन करते हैं, हमारा पोखरा भी है, हमारा गाय कम से कम 200 है, हमारा गाय 200 है, भैंस 40 गो है, तो जब गाय हम कृष्ण भगवान के वंशज भी हैं, लालू जी के चेला हैं, हम लालू जी तो कह रहे हैं कि गाय और बकरी में कोई फर्क नहीं। ना गाय बकरी में लालू जी कहे नहीं है कुछ, लेकिन झुटमुट के लोग मीडिया वाला लोग ज्यादा मीडिया वाला सबसे गलत आदमी अगर कोई है पूरी दुनिया में तो मीडिया वाला है, ये मीडिया वाला सब खाम खा का आदमी है, यही गलत बोलता रहूंगा। मजा आ गया बात करके, क्या बात है, आज अभी यहीं पर सिर्फ इतना।